जिसकी जान सीबीआई से कराओ, और अगर नरेंद्र सिंह दोषी पाए जाए तो चौराहे पर फांसी पर लटका दो। ये वही बीपी सिंह है जो आरसीपी सिंह की बेटी है। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। बिहार सरकार में पूर्व मंत्री और नीतीश कुमार के कभी बेहद करीबी रहे नरेंद्र सिंह, अब खुलकर के नीतीश सरकार और लीपी सिंह जो कि मुंगेर की एसपी हैं उनके खिलाफ आ गए हैं। उन्होंने बयान लेते हुए कहा है कि जो आरोप उन पर लगाया गया है उसकी सीबीआई से जाँच होनी चाहिए, और अगर जाँच में वो चीज़ें सच पाई जाती हैं तो वो बीच चौराहे पर भी फांसी लटकने के लिए तैयार हैं। ये बड़ा बयान आया है। आपको बताएं कि लीपी सिंह की तरफ से एक मामला है, उस मामले में नरेंद्र सिंह और उनके परिवार के लोगों का नाम है, और उसके बाद जो पूर्व मंत्री हैं नरेंद्र सिंह, उन्होंने कहा है कि जो उनके ऊपर केस हुआ है उसकी जांच सीबीआई से कराई जाए, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो बीच चौराहे पर उन्हें फांसी दी जा सकती है। यही नहीं, नरेंद्र सिंह ने मुंगेर एसपी लीपी सिंह पर हमला बोलते हुए कहा है कि अनंत सिंह के साथ जो चीज़ें हुई वो सरकार के इशारे पर हुई, और लीपी सिंह सरकार के इशारे पर बिल्कुल एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रही हैं। आपको बताएं कि नरेंद्र सिंह जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो बख्तियारपुर के नूतनवती कॉलेज में पूर्व विधायक पप्पू बाबू की 13वीं पुण्यतिथि में शामिल होने आए थे। इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि मेरे खिलाफ वारंट निकला है लेकिन मैं घूम रहा हूं। नरेंद्र सिंह ने कहा कि मैं डरता नहीं हूं। जेडीयू सांसद ललन सिंह के गिरफ्तार फर्जी पीए बम सिंह ने पुलिस को दिए गए एक बयान में बताया था कि ठगी के कार्यों में उसे पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह और उसके पुत्र पूर्व विधायक सुमित कुमार सिंह का संरक्षण हासिल था। वहीं पुलिस द्वारा आरोपियों के पास से जब्त मोबाइल के सीडीआर के अवलोकन और अनुसंधान क्रम में स्पष्ट हुआ कि फर्जी पीए देवघर के रखिया में बजरंगी मेहता से एक जमीन को लेकर 5 करोड़ का एग्रीमेंट किया था, जिसकी डील पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह और उनके बेटे सुमित सिंह द्वारा कराई गई थी, और इसी मामले में उनके खिलाफ एक वारंट जारी किया गया है, और उस वारंट पर जो है वो सियासत तेज हो गई है। नरेंद्र सिंह ने साफ कर दिया है कि दोषी हैं तो सीबीआई से जांच कराओ और फांसी दे दो, और अगर दोषी नहीं हैं तो वो कह रहे हैं कि वो डरने वाले नहीं हैं, और लीपी सिंह पर और सरकार के ऊपर उन्होंने बिल्कुल अटैकिंग मोड अख्तियार कर लिया है। सिंह नहीं, इसकी जांच सीबीआई से कराओ, और अगर नरेंद्र सिंह दोषी पाए जाए तो चौराहे पर फांसी पर लटका दो। ये वही लीपी सिंह है जो आरसीपी सिंह की बेटी है। अनंत सिंह चाहे जो कुछ भी हो लेकिन गलत तरीके से उसके पीछे सरकार की गाड़ी नहीं, पार्टी जनता दल यू की गाड़ी पर बैठकर, अपने बाप की गाड़ी पर बैठकर आनंद सिंह के कार्रवाई के लिए जो दौरा करती हो वो सरकारी पदाधिकारी कहा जाएगा? ये लोक सेवक की मर्यादा का हनन है। ये एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है, मुझे तरस आता हुई मेरी बेटी के समान है। आरसीपी सिंह की बेटी हमारी, उससे बड़ा मेरा बेटा है, मुझे तरस आता है। गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया, फिर भी मैं आया और मैं घूम रहा हूं। मैं बिहार सरकार को चुनौती देता हूं, जहां गिरफ्तार करना हो बोलो करो, नरेंद्र सिंह तुम्हारी पुलिस क्या भेज है, तुम्हारी मुकदमे में फंसाने से झुकने वाला नहीं है, और खुल करके सामने आ गए हैं। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।